ये इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि इसराइल मासूम फिलिस्तीनियों को मार रहा है, मासूम लोगों को, बच्चों को, औरतों पे बमबारी की जा रही है। उसके विरोध में पूरी दुनिया के लोग हैं और हम भारत के रहने वाले, हम सब भारतवासी लोग भी, हम सब चाहते हैं कि इसके इसराइल प्रोडक्ट का बाइकआउट करना चाहिए। यहाँ पर रहकर हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट का बाइकआउट करें। कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट, फेंटा और जितने भी प्रोडक्ट हैं इसराइल के, अमेरिका के, इन सब प्रोडक्ट को बाइकआउट करना चाहिए। इसलिए कि इकोनॉमिकल मार देने से इनकी समझ में आएगा, पूरी दुनिया के कितने मुल्कों ने अपने देश में इनके प्रोडक्ट बैन किए, तो इंडिया के अंदर भी भारत की जनता, हम सब लोग भारतवासी लोग इसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि भारत के अंदर भी इसराइल के प्रोडक्ट को बैन करना चाहिए। हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, मगर दुकानदार भी देखिए भी आपके सामने होटल वाले आके अपना फेंक रहे हैं सामान। तो इस तरीके से एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि भारत के हर कोने कोने में, हर शहर में हर दुकानदार इसके बाद वो माल ना रखे। उनके जो सप्लायर है उनको बोल दो कि हमको तुम्हारा माल नहीं चाहिए, इसराइल का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, और हम लोग खुद भी उनका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। इसलिए आज हम लोग बाइकआउट करने निकले हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम मजलूम के साथ हैं, हम इसराइल जालिम के साथ नहीं है, हम फिलिस्तीन के मजलूम भाइयों के साथ हैं, पूरा देश मजलूम के साथ है। एक बात और कहना चाहता हूँ, मैकडोनल्ड, KFC, इन सब जगहों पर जाना बंद करना चाहिए हमको। हमारे लोग बर्गर किंग जा रहे हैं, मैकडोनल्ड में जा रहे हैं, मैकडोनल्ड में पिज्जा हट, ये सब जितने प्रोडक्ट हैं इनको भी बाइकआउट कीजिए आप। हम हमारे हिंदुस्तान के बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मैकडोनल्ड है, कोका कोला है, फेंटा है, ये सबको बाइकआउट करें। इंडियन बर्गर है वो खाए, इंडियन प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, स्वदेशी इस्तेमाल करें, हमारी भारत की इकोनॉमिक सही हो जाएगी। जो जो जालिम लोगों का प्रोडक्ट बंद करेंगे तो उनका जुल्म ख़त्म होगा, इकोनॉमिक हम उनको टेंशन दे सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है पूरे हिंदुस्तानियों के भाइयों से, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों से कि हम इजरायली प्रोडक्ट को बैन करें और हिंदुस्तानी प्रोडक्ट लेना चालू करें। मैं आज मस्जिद मदरसा फेडरेशन के मार्फत पे जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, इजरायली प्रोडक्ट बैन करो, तो इस माध्यम से मैं सबको बता, पूरे आवाम को, पूरे देशवासियों को और पूरे दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जुल्म करने वाले के विरोध में सब लोग एकजुट होके जो जुल्म कर रहा है उसके विरोध में आवाज़ उठाइए और फिलिस्तीन के सपोर्ट में और इसराइल के विरोध में। आज जैसे कि हम देख रहे, छोटा छोटा चीज़ है, कोलगेट भी बंद करना चाहिए। हमारे डाबर के बहुत से प्रोडक्ट है, वो हमको जानकारी लेना चाहिए क्या क्या चीज़ है वो सब चीज़। जैसे छोटी छोटी मैगी है, मैगी को भी बंद करो। देखो हमको मालूम है कैंसर का भी ये था, लेकिन वो खिला पिला के क्या हुआ मालूम नहीं। लेकिन मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा, ये सबसे बड़ी बात, हम प्रोडक्ट है और जितने भी हम लोग आज इसराइल प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं देखो वो हमारे शरीरों को हार्म किया जाता है। तो मैं आप लोग से, पूरे देशवासियों से, पूरे भारतवासियों से और पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट करूंगा, जहां जहां पे भी ये न्यूज़ जा रही है, कि सभी लोग इजरायली प्रोडक्ट को बैन करिए और एक मजलूम के साथ समर्थन दीजिए और जो जुल्म कर रहा है उसके विरोध में दिखाइए कि इंसानियत आज भी जिंदा है। आज भारत में और पूरी दुनिया में इसराइल का जो प्रोडक्शन जो चालू है और उसके एवज में काफ़ी लोगों मुनाफा, इसराइल मुनाफा कमा रही है, उसकी GDP गिराने के लिए हमको भारतीय वासियों को और पूरी दुनिया ने तो बैन कर दिए, ले 120 समर्थन में हमारे इसराइल फिलिस्तीन के समर्थन में है और बाकी हमको भी उनके समर्थन में, इसराइल फिलिस्तीन के समर्थन में हम लोग जो जनता को हम संदेश देना चाहते हैं, क्या ये जो इसराइल का जो प्रोडक्ट है ये सब लोगों ने बंद करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।